अंबेडकर एक मूर्ति है सिर्फ या विचार? मुझे लगता है दोनों है, दोनों है। इस बात को समझ, दोनों है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपने तो शिव जी पार्वती जी गणेश जी की मूर्तियां तो आपने ही बनाई थी ना। शिल्पकार कौन था, कौन था शिल्पकार? आप ही ने बनाई ना उनकी मूर्ति, तो आपने बना ली और अपने घर में रखकर पूजा भी किया, उनको बुलाया भी, उनके डंडे भी खाए और उनको दक्षिणा भी दिया। तो अपने बाबा साहब को मूर्ति बनाने में क्या दिक्कत, ये भी बनाओ। तो इसीलिए लगता है मुझे दोनों में कोई अंतर विरोध नजर नहीं आता है। दूसरी बात, प्रतीक का क्या मतलब होता है, सिंबल का क्या मतलब होता है, यह बात समझने की होती। प्रतीक का सिंबल, सिंबल का मतलब होता है सब लोग तो हमारे जैसे और राजन साहब जैसे अमर आजाद साहब अली साहब के जैसे तो प्रोफेसर इंटेलेक्चुअल नहीं ना होंगे जितना हमको समझ में आता है। सब तो जनता मोटी मोटी किताब नहीं पढ़ती है ना। इंजीनियर साहब डॉक्टर साहब तो अपने सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वो कहां से पढ़ेंगे अम्बेडकर साहब का, फुले साहब। तो आम जनता जो हमारी बहुसंख्यक जमात जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो सिर्फ मूर्ति देख के बाबा साहब के विचारों को समझती है, कांशीराम जी के विचारों को समझती है। इसलिए दोनों में अंतर विरोध नहीं, इस बात को समझने की जरूरत है। आप कैसे फोटो देख के समझ लेते हैं कि गणेश जी हैं, कैसे फोटो देख के समझ लेते हैं कि शंकर जी हैं, ये बात समझिए। इसलिए दोनों में अंतर विरोध नहीं। अगर टाइटल कुछ इस तरह से होता ना, थोड़ा मजा आता। गले में माला और विचारों पर ताला, गले में माला और विचारों पर ताला। ठीक कहा मेरे से पहले कई वक्ताओं ने कि डॉक्टर अम्बेडकर सबसे ज्यादा मोस्ट सेलेबल इंटेलेक्चुअल ऑफ द वर्ल्ड, वैसे लोग भी उनकी पूजा कर रहे हैं और बाबा मैं हो जाता है पूरा महीना अप्रैल मई। जो बाबा साहब के विचारों के घोर शत्रु हैं उनका वश चले तो बाबा साहब को उनके रचनाओं से ही जमीन में गाड़ दे। आपने कभी रांची हाई कोर्ट में देखा है, जाके सामने बाबा साहब की मूर्ति है, कलर उनका भगवा हो गया। इसका मतलब पावर समझिए, द पावर ऑफ ब्लू, बात इसको समझिए। पूरे देश में अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं और कई लोगों ने कहा तो ये भी घटना नहीं संकेत है, वो मूर्ति से ही मैसेज जा रहा है। भाई साहब अगर मूर्ति नहीं रहता तो तोड़ने की जरूरत नहीं होती। अगर मूर्ति में दम नहीं होता, अगर रंग में दम नहीं होता, तो क्या जरूरत है उसको कलर बदलने की, क्या जरूरत है मूर्तियां तोड़ने की। इसलिए बात समझिए कि हमारी बहुसंख्यक आबादी जो पढ़ी लिखी नहीं है और हमारे पढ़े लिखे लोग भी उसमें से ज्यादातर उस साक्षर है, पढ़े लिखे नहीं, तो उनको समझने के लिए मूर्ति का होना बहुत जरूरी है। ये समझिए, फोटो का होना जरूरी है, तो किताब भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों चाहिए।